गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ड्रीम सक्सेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज हम लोग कंप्यूटर के अंदर पटवारी का जो 2016 में जो मेंस का पेपर हुआ है उसके 25 फाइव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है की आप प्रीवियस ईयर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या है डिस्कस करें और यहाँ पे अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो जैसा की आपको पता है कोई कैलकुलेशन होती नहीं है जैस रीड एंड टिक का कॉन्सेप्ट होता है और उसमें भी अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस अच्छे से की गई है तो आपको यहाँ पे यह पता होना चाहिए कि हर साल आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते हैं अब यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के जो ट्वेंटी लेके आए हैं ये है आपके राजस्थान के जो पटवारी का पेपर होता है लेकिन ऐसा नहीं है आप अदर कोई भी एग्जाम देते हैं जैसे एल हो गया या फिर अदर स्टेट का कोई भी आप एग्जाम देते हैं चाहे आपका जीपीएससी हो चाहे आपका एमपीपीएससी का कोई पेपर हो जहाँ पे कंप्यूटर अगर आपका कवर हो रहा है एज ए सिलेबस तो यहाँ यह सारे एग्जाम्स के लिए ये ये क्वेश्चंस जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट है तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अच्छा एक चीज और जितने भी क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों में कवर करे हैं ताकि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो पहले क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें लिखा गया है फिलिंग दी ब्लैंक इज द टर्म गिवन टू द प्रैक्टिस ऑफ इलीगली डाउनलोडिंग मूवी फ्रॉम अ वेबसाइट अवैध रूप से जो मूवी डाउनलोड की जाती है उसे क्या कहा जाता है चार ऑप्शन यहाँ पे आपको गए हैं पैरिटी फ्लैगरिज्म पायरेसी और प्राइवेसी अब यहाँ पे अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करें तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे यानी कि जो सही आंसर रहेगा जैसे कि मैंने टिक कर रखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है वो है आपका पायरेसी अगर प्राइवेसी की बात करें तो देखेगा चारों ऑप्शन के अंदर पहले आते हैं पैरिटी पे पैरिटी भी आपका कंप्यूटर के अंदर ही टर्म यूज में लिया जाता है बेसिकली पैरिटी जो होता है इसका मतलब होता है इक्वल यहाँ पे पैरिटी को हम लोग यूज करते हैं जब हम डेटा सेंड करते हैं तो ये चेक करने के लिए कि जो हमारा डेटा सेंड किया गया है उसके उसी के साथ में कुछ पैरिटी ऐड कर दी जाती है ये चेक करने के लिए कि जो भी डेटा सेंड किया गया है वो प्रॉपरली सेंड हुआ है या नहीं हुआ है यूजर एंड से आपका सेंडर टू रिसीवर अगर हम प्लेगरिज्म की बात करें तो ये भी एक तरीके का कॉपी जो है ब्रेक करने के लिए इन किया गया टास्क ही है यानी यहाँ पे प्लेगरिज्म जो होता है किसी तरीके का आइडिया या कोई भी आपकी जैसे मान लीजिए आपने किसी का भी कॉन्सेप्ट कोई आइडिया वो चुरा लिया है और आपने उसे अपना आइडिया बता दिया है तो कॉपी राइट ब्रेक करना ही प्लेगरी कहलाता है प्राइवेसी तो आपको सभी को पता ही है नॉर्मल डेली यूज में आने वाला आपका नॉर्मल वर्ड है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है द कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है इन्फॉर्मेशन जो है जो इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है यहाँ पे वैलिड ऑप्शन जो कंफ्यूजन वाले होते हैं वो है आपका एक तो मेमोरी डेटा रजिस्टर और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे फोर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर क्योंकि बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की डेटा की वो हम मेमोरी डेटा रजिस्टर में ही स्टोर करते हैं लेकिन अगर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी एड्रेस एड्रेस रजिस्टर के अंदर अंदर जैसा कि इसका नाम है है इसके स्टोर किया जाता है। वो एड्रेस जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बीसीडी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और बहुत कॉमन भी है यहाँ पे बीसीडी की बात करें तो बीसीडी का जो फुल फॉर्म आता है आपका वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंच की जो बीसीडी है उसका यूज हम बेसिकली करते कहाँ पे है एक तरीके की कोड कन्वर्जन टेक्निक है कोड कन्वर्जन टेक्निक से मेरा मतलब ये है बहुत सारे अलग अलग कोड कन्वर्जन टेक्निक यूज में ली जाती है बीसीडी इबीसी डी ये सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आज की हम लोग इसको सिलेबस में भी कवर करेंगे यानी कि इस पे भी हम लोग वीडियोस डिस्कस करेंगे फिलहाल मैं अगर बीसीडी की बात करूं इसे बोला जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल ये जो है वो फोर बिट पे वर्क करता है इबीसी डी अगर पूछा जाए तो ये एट बिट पे वर्क करती है इबीसी डी का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड स्की की बात करें तो ये जो है ये सेवन बिट पे वर्क करता है इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज ये तीनों ही कोड कन्वर्जन टेक्निक है अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के थ्रू अलग अलग कोड कन्वर्जन टेक्निक यूज में ली जाती है कई बार ये भी पूछा जा चुका है की आई कंपनी जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वो किस टेक्निक को यूज करती है तो वो है ई डी को यूज करती है तो देखिये फ्रेंड्स इस पे भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे फिलहाल आपको थोड़ा सा इसलिए बता दिया है जिससे कि आपको इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन आपके कवर हो जाए अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बीसीडी की बात करेंगे तो बीसीडी के अंदर आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी अगर हिंदी में हम लोग बात करें बीसीडी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है यानी कि इसके फुल फॉर्म तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल डेसिमल को हिंदी में दशमलव से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट जो है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं मेन स्टोरेज ऑल्सो कॉल्ड यानी कि मुख्य बन नारन को क्या कहा जाता है हम बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो एक तो होता है आपका इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट यानी कि जिससे यूजर जो है वो सिस्टम को डेटा जो है देता है फिर आपका आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जहाँ पे हमारा डेटा क्या होता है प्रोसेस होता है प्रोसेस होने के बाद हमको फाइनली क्या होता है आउटपुट मिलता है तो देखिये इनपुट यूनिट जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर स्क्रीन हो गई यहाँ पे अगर हम लोग सीपीयू की बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ आपके रजिस्टर सीपीयू की इट मेमोरी होती है यहीं पे आपको कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू भी मिलेगी यहाँ पे इसके बाद आपका आता है मेन स्टोरेज हमारे सिस्टम का जो की हमारे सीपीयू से ही कनेक्टेड रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं मेमोरी से डिनोट करते हैं या फिर इसे रैम भी बोला जाता है रेंडम एक्सेस मेमोरी रेंडम एक्सेस मेमोरी हमारे सिस्टम की मेन मेमोरी कही जाती है आपने देखा ऑप्शन में या तो रैम होगा या तो मेमोरी होगा चूंकि यहाँ पे रैम नहीं दिया तो हम क्या आंसर करके आएंगे मेमोरी अब देखिए सी क्या करता है रजिस्टर यूनिट क्या होती है तो बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती दे हूँ बाकी डिटेल डिस्कशन हम लोग वीडियोज में चैप्टर वाइज कर लेंगे रजिस्टर जो है सीपीयू की सेल्फ मेमोरी होती है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है कंट्रोल यूनिट क्या करता है हमारे डेटा को ट्रांसफर होने में जैसे कि मान लीजिए हमारा डेटा जो है एएल यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से रजिस्टर मेमोरी में जा रहा है तो इनका जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू किया जाता है है अम्यूमलेटर का क्या काम है अक्यूलेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड यूज किया है वो है एएल यू एल यू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये भी हमारे सीपीयू का पार्ट होता है लॉजिकल यूनिट जो होती है वो आपका क्या करती है कैलकुलेशन परफॉर्म करती है अरिथमेटिक और लॉजिकल बोर्ड यानी कंपेरिजन करना है कोई भी कैलकुलेशन करनी है चाहे वो एडिशन हो सब्ट्रेक्शन हो तो जितना भी टेम्प्रेरी इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होता है वो अक्यूमलेटर में जाके स्टोर होता है ये भी एक तरीके का रजिस्टर ही है जो इंटरमीडिएट डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर करता है एग्जाम्पल जैसे अब मान लीजिए आपको कोई एडिशन परफॉर्म करना है एडिशन के लिए आपने मान लीजिए फिफ्टीन एड किया प्लस देन आपने ट्वेंटी एड किया ऐसे हम कैलकुलेटर में भी करते हैं फिर उसके बाद आपने नाइनटीन एड किया अभी आप कंटिन्यूस एड करते जा रहे हैं जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा उसके पहले ये जो है इनके एडिशन को इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करके कर रखने का काम होता है एक्यूमलेटर एक का मेमोरी को एज इट इज प्रोनाउंस किया जाता है हिंदी में तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जो बोला जा रहा है मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम इट इज मेनुफेक्चर्ड यानी उस मेमोरी का नाम बताइए जिसे निर्माण यानी कि जिसे जब मैन्युफेक्चर या बनाया जाता है उसी समय उसमें, उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है उसके बाद आप उसमें डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं तो देखिये यहाँ पे फोर जो ऑप्शन आप देख रहे हो पहले पे आते हैं रोम रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी पे पूरा वीडियो जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा आप देख लीजिएगा उसके अंदर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है रैम जो है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो हमारा रैम है हमारे सिस्टम की मेन मेमोरी है पी रोम अब देखिए रोम जो है आपकी रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे कि पी रोम ईपी रोम डबल ईपी -E रोम किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है फुल फॉर्म जी बहुत बार एग्जाम में आती है जिसमें पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नाम जैसा वैसा ही काम है यानी कि अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया उसके बाद हम डेटा को वापिस से रीराइट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका पी रोम यानी ईपी रोम भी बता देती हूँ आपको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे हम लोग डेटा को इरेज कर सकते हैं फिर से रीराइट कर सकते हैं लास्ट है डबल ईपी रोम ये होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिटेल डिस्कशन हम लोग वीडियो में आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी का जो वीडियो बनेगा उसके अंदर करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट आपको बोला गया है सीडी रोम स्टैंड फॉर फिर से एक फुल फॉर्म पूछी गई है आपको और यहाँ पे सीडी रॉम टेन फोर इसमें ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं उसमें आपका सीडी जो होता है वो कम्पैक्ट डिस्क को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही टिक हो जाता है दूसरी चीज रॉम अभी आपको बताया था रीड ओनली मेमोरी तो फोर्थ वन जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा अच्छा देखिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं सी के टाइप आपको पता होने चाहिए सीडी के थ्री टाइप्स होते हैं एक होता है सीडी रॉम दूसरा होता है आपका सी आर और तीसरा होता है आपका सी डी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जो है सी डी रोम इसे बोला जाता है रीड ओनली इसका मतलब इसके अंदर डेटा को हम फिर से राइट नहीं कर सकते हैं यहाँ ये यह जो सी डी रोम है जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा सॉन्ग्स की और मूवीज की जो सी डी आती है जो ऑलरेडी प्रोग्राम होती है वो सीडी रोम का एग्जाम्पल है ब्लैंक सीडी जो है ये दो तरीके की आपको मिलेगी मार्केट में एक सी डी आर एक सी डी आर डब्ल्यू आपने देखा होगा की हम लोग कॉलेजेस वगैरह के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं अगर हमने उसमें कॉपी करने में कोई मिस्टेक कर दी तो हमको वहाँ पे फिर से उसको रीराइट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है जस्ट यूज एंड थ्रू वाली बात होती है वो सी कैटेगरी जो है उस तरीके की सीडी होती है इसको बोला जाता है वन वन टाइम टाइम राइटेबल यानी कि आप सिर्फ one time उसमें राइट कर सकते हैं और आर जो है वो सबसे एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया इसमें आप री कर सकते हैं यानी कि मल्टीपल टाइम रीराइट किया जा सकता है तो ये सीडी के थ्री टाइप्स है चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे आते हैं अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है सेवेंथ क्वेश्चन में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स पर सेकेंड फिर से एक मेमोरी का क्वेश्चन आया तो देखिए फ्रेंड्स मेमोरी के कंटिन्यूस हम लोगों ने देखा कि बैक टू बैक तीन क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं और इवन आपकी एर्थ क्वेश्चन की तो ये चार क्वेश्चन कंटिन्यूस मेमोरी पे है यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा वीडियो टाइप्स ऑफ मेमोरी पे बनेगा तो आप उसको जरूर देखिएगा यहाँ पे आपको उसमें अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यानी कि एग्जाम में अगर मेमोरी पे कोई भी क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी पे और मेमोरी यूनिट पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है आप ड्रीम सक्सेस पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा आप देखिए यहाँ पे आपको पहला जो सेवन नंबर का क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि वो मेमोरी बताइए जिसमें डेटा बहुत बार रिफ्रेश होता है मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे, दे देती हूँ अभी हम लोगों ने रैम एंड रोम दो मेमोरी जो है इनके बारे में डिस्कशन किया था जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो आपका रैम होता है जो हमारे सिस्टम की मेन मेमोरी होती है मैं आपको बता देती हूँ इसके दो टाइप होते हैं एक को बोला जाता है एस रैम और एक जो होता है वो होता है आपका डी रैम एस रैम जो होता है स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अब देखिये फ्रेंड्स ये जो एस रैम होता है इसके मैन्युफेक्चरिंग के अंदर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं डी रैम जो होता है इसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है ये कैपेसिटर का सिम्बल होता है जो हम लोगों ने साइंस में टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा एक पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये प्लेट्स होती है ये जो चार्जेस होते हैं जिसको आवेश बोला जाता है हिंदी में पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ना ये कंटिन्यूस चलती रहती है कैपेसिटर के अंदर उसकी वजह से जो डी रैम होता है आपका डायनेमिक रैम इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो बार बार रिफ्रेश होता रहता है तो यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है की उस मेमोरी का नाम बताइए जहाँ पे डेटा जो है वो बार बार रिफ्रेश होता है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा जो की आपका क्या है यहाँ पे डायनेमिक रैम जिसे आप बोलते हैं डी रैम नेक्स्ट एथ क्वेश्चन में बोला गया है हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड विद तो आपकी जो हार्ड डिस्क है ना वो किससे कोटेड रहती है मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो हमारी मेमोरी होती है मेमोरी के अंदर भी दो मेमोरी हमने पढ़ी है एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें ना तो इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं तो यहाँ पे मैं एकदम बेसिक पहले आपको बता देती हूँ अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जैसे आपकी सी हो गई डीवीडी हो गई हार्ड डिस्क हो गई आपकी पेन ड्राइव हो गई ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं लेकिन इनको भी बहुत सारे फॉर्म में अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक डिस्क हो गया मैग्नेटिक डिस्क के बाद ऑप्टिकल डिस्क फिर फ्लैश मेमोरी इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आता है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हो गया फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क यानी एच डी एफ डी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आ जाता है सी डी डीवीडी बी आर डी एच फिर फ्लैश मेमोरी के अंदर आ जाता है जैसे लाइक पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड एंड ऑल तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क जो है वो आपका हार्ड डिस्क और एफ की कैटेगरी में आ रहा है तो सीधी सी बात है कि जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो बोथ साइड से क्या होता है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से कोटेड रहता है यहीं पे अगर पूछ लिया होता है सी के बारे में तो आप क्या करते ऑप्टिकल से डिनोट करते इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन आपको मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी के चैप्टर में ही क्या हो जाएगा मिल जाएगा कि इसको ऑप्टिकल ही क्यों कहा जाता है रीजन क्या है इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच करते हैं अब नेक्स्ट नाइन्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन है अगेन फिर से मेमोरी पे ही क्वेश्चन पूछा गया है और फ्रेंड्स ये हम लोगों ने क्वेश्चन खुद से फॉर्म नहीं किए हैं ये एज इट इज 2016 के मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपके सामने रखे जा रहे हैं अब आप खुद देख सकते हैं की कौन सा चैप्टर जो है वो ज्यादा वेटेज रखता है आप ये भी आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे इस पेपर की बात करें तो इसके अंदर तो आप सभी देख रहे हैं कंटिन्यूअस बैक टू बैक फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो है वो किस पे बना है आपका मेमोरी पे अगेन क्या बोला जा रहा है आपको पूछा जा रहा है की विच फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर करके रखती है तो वैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क का फोर टीबी तक इसका स्टोरेज कैपेसिटी रहता है अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें जैसे आपको फ्लैश डिस्क जो है फ्लैश डिस्क जो है वो सेकेंड ऑप्शन दिया है फ्लैश के अंदर मैंने आपको बताया लाइक पेन ड्राइव हो गई मेमोरी कार्ड हो गया ये सब फ्लैश के अंदर आते हैं ब्लू रे दिया है आपको थर्ड ऑप्शन बोला है ब्लू रे डिस्क अगर हम लोग ब्लू रे डिस्क की बात करें तो ब्लू रेड डिस्क जो है इसकी जो कैपेसिटी होती है तो बेसिकली उसकी रेंज होती है आपको 25 से लेके 50 जीबी ये भी पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन सिंगल लेयर जो ब्लू रेड डिस्क होती है वो 25 जीबी की आती है डबल लेयर वाली 50 जीबी की आती है तो रेंज अगर पूछे तो पच्चीस से पचास जीबी हार्ड डिस्क की हमने क्या बोला फोर टीबी तक कैपेसिटी होती है अब यहाँ पे ये जीबी बड़ा होता है या टीबी बड़ा होता है अगर किसी को ये भी कंफ्यूजन है तो आप हमारी मेमोरी यूनिट वाली जो वीडियो है वो जाके देख सकते हैं आपको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और चैप्टर भी पूरा क्लियर होगा कि यहाँ पे मेमोरी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अच्छा डीवीडी की बात करें तो ये होगा आपका डीवीडी का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क बहुत कराई डिजिटल वर्सटाइल डिस्क नाइन टाइम आपको ऑप्शन में मिलता है अगर हम लोग डीवीडी की बात करें तो डीवीडी जो होता है ये भी सिंगल लेयर और डबल लेयर दोनों में दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं इसमें भी साइज अलग अलग होती है टू पॉइंट समथिंग अगर सिंगल लेयर है तो फोर पॉइंट समथिंग डबल लेयर है तो इसमें भी साइज के अकॉर्डिंग वेरी करता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा हार्ड डिस्क यानी कि फर्स्ट जो होगा पहला ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कैश मेमोरी एक्ट जो कैश मेमोरी होती है वो किस किस के बीच वर्क करती है तो देखिए ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये हो गया हमारे सिस्टम की मेन मेमोरी जैसा कि मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच में हमारा कैश जो है वो वर्क करता है यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कैश मेमोरी क्या होती है तो बेसिकली कैश जो होता है वो बफर की तरह काम करता है जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉपी जेरोक्स करवा के अपने पास बुक की रख ली अब आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है आप उस जेरोक्स कॉपी से पढ़ सकते हैं अब उसकी वजह से हमारी स्पीड बढ़ने की बढ़ जाती है सेम एज इट इज सीपीयू से अगर आपने पहली बार कोई डेटा एक्सेस किया है तो उसकी कॉपी आपने मान लीजिए कैश में स्टोर करके रख ली है अब जब सेम डेटा आपको रिक्वायरमेंट रिक्वायर है तो हमें मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं है हम क्या कर सकते हैं हम कैश से ही हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जिससे कि सीपीयू की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो यहाँ पे टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखता है इसलिए सीपीयू बफर की कैश मेमोरी जो होती है वो किसकी तरह वर्क करती है बफर की तरह अच्छा रैम हो गया आपका यानी कि सिस्टम की आपकी सेकेंडरी स्टोरेज हो गई प्राइमरी स्टोरेज हो गया कैश मेमोरी हो गई इन सब का आपका सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है स्पीड किसकी ज्यादा होती है ये भी सब आपको चैप्टर के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो है आपका इलेवन नंबर का क्वेश्चन है वॉट इज अ कंपाइलर कंपाइलर क्या है तो पहले तो आते हैं कि कंपाइलर के अंदर पहला ऑप्शन आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन है उसमें दिया है पहला अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर अ प्रोग्राम विद ट्रांसलेट फ्रॉम वन अच्छा सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंपाइलर होता है वो एक तरीके का ट्रांसलेटर है ट्रांसलेटर होते तो बहुत सारे हैं तो अगर हम लोग बात करें ट्रांसलेटर्स की तो ट्रांसलेटर के अंदर आपको कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है इंटरप्रिटर भी एक ट्रांसलेटर है एंड असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है ये जो है तीनों ही ट्रांसलेट करते हैं क्या ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें बदल देते हैं मशीन लैंग्वेज में अब बात ये आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहली बात फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो मशीन लैंग्वेज होती है इसी को कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोला जाता है इसी को बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है ये सिर्फ और सिर्फ जिस पे वर्क करती है वो है जीरो और वन यानी हमारा सिस्टम सिर्फ जीरो वन लैंग्वेज को समझता है जिसे बाइनरी बिट भी बोला जाता है लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम अपने सिस्टम पे डेजिमल या फिर हम लोग इंग्लिश में भी कुछ भी डेटा लिख देते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है सिस्टम को ये समझाने के लिए हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है उस लैंग्वेज में जो हमारे सिस्टम को समझ में आती है जैसे आपको गुजराती नहीं आती है और अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसे सिर्फ गुजराती समझ में आती है तो आपको अपनी कहीं हिंदी या इंग्लिश की जो भी लैंग्वेज है आपको किसी इंटरमीडिएट को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी लैंग्वेज को उसकी समझ में आने वाली गुजराती लैंग्वेज में चेंज करे तो हम तीन तरीके के यहाँ पे ट्रांसलेटर जो है कम्पाइलर इंटरप्रिटर असेंबलर इसमें आपको ये पता होना चाहिए की इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर का, का काम होता है जो भी असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने का अब ऑप्शन पे अगर आप आते हैं तो आपने सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन के अंदर सेकंड ऑप्शन में दिया है प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर हाई लेवल टू हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन करने की तो जरूरत ही नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में बदल के करेंगे क्या हमारे सिस्टम को समझाना है तो हाई लेवल को किसने बदलना पड़ेगा मशीन के अंदर यानी आंसर यहाँ पे क्या जाएगा थर्ड लेकिन ये तो आपको बहुत ईजी ऑप्शन दे दिया है एग्जामिनर आपको वैसे ऑप्शन ये देते हैं पहला ऑप्शन दे, दे देंगे प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाईवे लेवल लैंग्वेज टू अनदर मशीन लेवल लैंग्वेज होल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम यानी कि एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो एक इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन ट्रांसलेट कर रहा है और एक पूरे के पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है याद रखेगा कंपाइलर पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देता है एक साथ और इंटरप्रिटर लाइन बाय लाइन करता है यही डिफरेंस है कंपाइलर इंटरप्रिटर में अदरवाइज दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदलते हैं चलिए नेक्स्ट हिंदी में अगर बात करें तो वही थर्ड मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम है जी आई सिंपल सी फुल फॉर्म पूछी गई है बड़ी ही कॉमन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखिए होता क्या है आपका जो दो तरीके के आपको इंटरफेस पता होने चाहिए एक होता है जीयूआई दूसरा होता है सीयूआई एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक होता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है ये क्या होता है आपका इंटरेक्टिव नहीं होता है जीयूआई क्या होता है इंटरेक्टिव होता है एग्जाम्पल जैसे यूनिक्स हो गया यूनिक्स पे अगर हम बात करते हैं तो यूनिक्स के अंदर हम लोग जब काम करते हैं तो हमें कमांड देनी पड़ती है यानी ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है कोई नॉन टेक्निकल पर्सन को काम करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी वो एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पे काम नहीं कर पाएगा लेकिन अगर हम लोग विंडोज की बात करें जैसे आप सभी के सिस्टम के ऊपर लैपटॉप में विंडोज जो है 7 या टेन जो भी आप यूज कर रहे हैं आपने तो देखा टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पर्सन हो बहुत ईजीली उस पर काम करता है आइकन बने होते हैं जस्ट आपको क्या करना पड़ता है क्लिक करना पड़ता है को, कोई कमांड नहीं देने पड़ती ये जो है विंडोज वो आपका क्या हो जाएगा जैसे सेवन या टेन जो हो गया ये क्या हो गया जी बेस्ड कमांड यूजर इंटरफेस विंडोज के अगर हम बात करें तो विंडोज के जो स्टार्टिंग के वर्जन है लाइक एम एस जो विंडोज का बाय डिफॉल्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये भी क्या है सी यू आई बेस्ड कमांड यूजर इंटरफेस यानी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि थर्ड क्या हो जाएगा आपका आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर का जो क्वेश्चन है है उसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी डज नॉट बिलोंग टू द वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो देखिये पहला ऑप्शन दे रखा है कैरेक्टर नो डाउट कैरेक्टर जो है वो वर्ड से ही यानी शब्द से ही रिलेटेड है आपका वर्ड प्रोसेसिंग से वर्ड्स भी उसी से रिलेटेड होंगे पैराग्राफ तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आपकी क्या हो जाएंगे पैराग्राफ्स फॉर्म होंगे लेकिन जो सेल है यानी कि जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं सेल ये सेल जो होता है आप देखिए अगर एमएस एक्सेल पे आपने वर्क किया हो तो एमएस एक्सेल के अंदर हमने देखा है एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा शीट बनी हुई होती है शीट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं रो और कॉलम होते हैं ये जो पार्ट होता है आपका ये जो एक सिंपल सा बॉक्स आप जिसे बोल रहे हैं जो आपके कॉलम और रो का जो इंटरसेक्ट पार्ट होता है इन्हें सेल बोला जाता है तो ये वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड यानी की सेल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फोर्टन की जो आपको फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्टन एक फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है इसे साइंटिफिक लैंग्वेज भी बोला जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज यहाँ एफओ आर जो है फॉर्टन में अगर हम लोग फॉर्टन की बात करें ये जो एफओ आर है ये बताता है फॉर्मूला को डिनोट करता है और ये जो है टी ए एन ये ट्रांसलेशन को डिनोट करते हैं एफ ओ आर फॉर्मूला टी ए एन ट्रांसलेशन फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज इसे साइंटिफिक लैंग्वेज से भी डिनोट किया जाता है ये इसका एग्जाम में पूछा गया सेकंड क्वेश्चन आप मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है और ये जो फॉर्टेंट है ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आता है आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज लो लेवल होती है कौन सी हाई होती है और कौन सी मिडिल में आती है ये सब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रही है आप खुद बताइए जो लैंग्वेज आपको आती है वो किसी से ट्रांसलेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया है बताइए कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है तो कंप्यूटर को लैंग्वेज जो समझ में आती है वो है मशीन लैंग्वेज उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोला जाता है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मशीन लैंग्वेज या फिर आप जिसे क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज जो भी आपको ऑप्शन दिया हो फिलहाल हमें यहाँ पे मशीन लैंग्वेज ऑप्शन दिया है तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मशीन भाषा हिंदी में जिसे बोलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द ओरिजिनल आस्की कोड यूज बिट ऑफ ईच बाइट रिवर्सिंग लास्ट बिट फॉर एरर चेकिंग अभी थोड़ी देर पहले बताया था बीसीडी जो है वो फोर बिट पे काम करता है ई डी जो है वो एट बिट पे वर्क करता है वैसे ही आस्की कोड जो है वो किस पे वर्क करता है सेवन बिट पे वर्क करता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेवन इंपॉर्टेंट है बहुत पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है सेवनटींथ नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है टू ऑटो फिट द विथ ऑफ कॉलम इन एक्सेल एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए ऑटो फिट क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एक्सेल एक्सेल पे एक Excel शीट हम बना रहे हैं एक्सेल शीट के अंदर मान लीजिए हमने कुछ लिखा है सपोज हमने लिखा एक्स वाई और कुछ ऐसे जेड जो की आपके कॉलम से बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन आप इसको फर्स्ट कॉलम में ही क्या कर रहे हैं डेटा को एंटर कर रहे हैं अब होगा क्या आपने देखा की ये ऑटो फिट यानी की ये जो कॉलम एंडिंग है इसको अगर आपको एडजस्ट करना है जैसे कि ये जेड के बाद ये यहाँ पे कुछ आ जाए तो आपको यहाँ यानी कि इसके जो राइट right साइड जो होता है राइट एंड जिससे आप बोलते हो दाई साइड दाई तरफ उस डबल क्लिक जैसे ही आप करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ सेट हो जाएगा इसको बोलते हैं ऑटो फिट तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आपको राइट साइड डबल क्लिक करना है तो राइट साइड डबल क्लिक आपको आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है फर्स्ट फर्स्ट यानी कि पहला जो है ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर नेक्स्ट पे आते हैं विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है चलिए देखिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए बड़ी कॉमन सी ये चीजें हैं डेली हम यूज करते हैं आप हाँ, वर्ड या एक्सेल कुछ भी ओपन करते हो तो आपने देखा होगा सबसे ऊपर आपकी फाइल का नेम लिखा होता है ठीक है ये कहलाता है टाइटल बार इसको बोलते हैं टाइटल बार जो कि आपके क्या करता है टाइटल को शो करेगा आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं बाय डिफॉल्ट नाम होता है अब यहाँ पे इसके बाद जो बार होती है उसमें आपने देखा होगा बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन का और आपका अलाइनमेंट कलर्स वगैरह होते हैं ये जो है टूल्स अवेलेबल होते हैं इसको बोलते हैं टूल बार ठीक है टूल बार से ऊपर यानी टाइटल बार के जस्ट बाद तो यहाँ पे एक और बार होती है जो कि होती है आपकी मेन्यू बार जिसमें व्यू रिव्यू इस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फिलहाल हमको पूछा गया है टूल्स जो अवेलेबल होते हैं वो बार तो वो क्या हो जाएगी आपकी टूल बार मेन्यू बार मैंने आपको बताया सबसे ऊपर होती है फर्स्ट टूल बार टूल बार के बाद नेक्स्ट होता है मेन्यू बार मेन्यू बार के बाद थर्ड होता है आपका टूल बार और उसके बाद फोर्थ यानी कि सबसे लास्ट में बॉटम पे जो बार होती है जो पेज नंबर और आपको बहुत सारे व्यूज शो करती है स्टेटस बताती है वो होती है स्टेटस बार तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका जो आंसर है वो क्या हो एगा सेकेंड यानी कि बार यहाँ पे आंसर हो गया चाहे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस एमएस ऑफिस जो है उसका कौन सा वर्जन फॉलोइंग में से वैलिड नहीं है टेन हम यूज करते हैं एचपी यहाँ पे मैनेजर जो है ऑफिस मैनेजर कोई वर्जन नहीं है तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका थर्ड जो है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ अदर वर्ड दैट दोज हु आर एक्चुअली और नियरली द सेम मीनिंग इज निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो जैसे समनार्थी वर्द समनार्थी शब्द बोलते हैं हम हिंदी में सिनोनिम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट की की बात करें तो इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस एफ सेवन अगर आप वर्ड में शिफ्ट प्लस एफ सेवन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे सिमिलर यानी कि समनार्थ सिन मिट जाएंगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो नेक्स्ट पे आइए नेक्स्ट बोला गया है डिजिटल सिग्नेचर इज तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो होता है जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आजकल सारा काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता है तो जो डिजिटल सिग्नल होता है वो ऑथेंटिकेशन का काम करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय यूजिंग इट यूनिकली टू टेक अ की ओनली अ सेंडर नोज यानी कि एक ऐसी की है एक ऐसा यूनिक ऑथेंटिक ऑथराइजेशन है जो सिर्फ सेंडर यानी कि भेजने वाले को पता है यानी एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो की केवल एक प्रेषक जानता है यानी की सिर्फ सेंडर ही जानता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम पूरे इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कैसे करेंगे फिर से आपको देखिए एक्सेल का क्वेश्चन आया है एक्सेल के अंदर भी हमने देखा कि क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये किसी भी स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है अब देखिए आपने यहाँ पे कॉलम्स कुछ बना दिए है हमने यहाँ पे थ्री कॉल थ्री कॉलम्स हमने बना दिए है अब हमको क्या पूछा गया है पूरी हमको कॉलम सिलेक्ट करनी है यानी कि इंटायर कॉलम हमको सिलेक्ट करनी है तो पूरे कॉलम को चैन करना है तो आपको कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ जो टॉप हेडिंग होती है ना शीट पे क्लिक कर दीजिए यानी कि हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए तो जैसे कि कॉलम है कॉलम का मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए कॉलम ये बी हो गया ये सी हो गया तो यहाँ पे ये जो टॉप हेडिंग होती है ना आप सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा पूरा का पूरा इंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा चलिए नेक्स्ट पे आते हैं टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू फर्स्ट ये भी देखिए फिर से अगेन एक्सेल का क्वेश्चन आया है आपने देखा होगा कि अगर हम लोग एक्सेल की देखिए अगर फिर से एक्सेल के अंदर हम बात करते हैं ये एक्सेल शीट हो गई आपकी इसके अंदर भी पहले टाइटल बार होती है फिर मेन्यू बार होता है फिर टूल बार होता है और इसके बाद जस्ट आता है फॉर्मूला बार फार्मूला बार के अंदर पहले हमको इक्वल टू साइन लगाना होगा उसके बाद आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं जैसे की मान लीजिए एडिशन करना है तो सम लिख दिया मल्टीप्लीकेशन करना है तो एम यू एल लिख दिया लेकिन अगर आपने इक्वल साइन नहीं लगाया है तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बोला है एक फार्मूला बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे फॉर्मूला को सेल में रखें और दूसरा ऑप्शन बोला है बराबर यदि आप एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन क्या होगा पहले लगाना होगा तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कमेंट पुट इन सेल्स आर सेल्स के अंदर जो कमेंट पुट हम करते हैं ये जो है ये आपका क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है सेल टिप इसे क्या बोला जाता है सेल टिप तो ये ध्यान रखिएगा ये तो कि जो भी आपकी सेल है फिर से एक्सेल का क्वेश्चन है देखिए तो चार क्वेश्चन तो हमारे एक्सेल के ही आ गए हैं तो हमने देखा कि जो 25 क्वेश्चन है ना उनमें सबसे ज्यादा तो आप क्या हुआ है मेमोरी के क्वेश्चन आए हैं और दूसरा क्या आया है एक्सेल के क्वेश्चन आया है तो बेसिकली जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वाला सेक्शन हो गया मेमोरी वाला चैप्टर हो गया वो इम्पोर्टेंट है जितने भी स्टेट एग्जाम्स में बेसिक कंप्यूटर जो पूछा जाता है ट्वेंटी यानी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम अगेन फिर से एक्सेल का क्वेश्चन आ रहा है तो देखिएगा कि पूछ रहे हैं कि यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम प्रिफोर यू टर्न इट ऑफ यानी फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल टाइम यूज कैसे कर सकते हैं फॉलोइंग मैसेज से क्या करें मल्टीपल टाइम फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले इनमें से कौन सा विकल्प हमको चुनना होगा देखिए फॉर्मेट पेंटर होता क्या है जैसे मान लीजिए आपने एक्सेल के अंदर क्या किया है कोई भी एक शीट बनाई है एक्सेल के अंदर जो आप शीट बनाते हैं अब इसमें मान लीजिए आपने लिखा एबीसी अब इसको आपने बोल्ड कर दिया और रेड कलर कर दिया अब मान लीजिए ये जो है बोल्ड और रेड कलर हमको दूसरे सेल्स के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो वहां पे भी करना है बार बार जाके आपको कंट्रोल बी फिर कलर्स पे जाके रेड करने की जरूरत नहीं है आप ये जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए सेल को इस सेल को सिलेक्ट करके आप वो जो फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन होता है ना टूल बार पे उस पर डबल क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप टू टाइम यानी कि डबल क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही डबल क्लिक करके अदर कहीं पे भी सेल में जाके क्लिक करोगे तो यही एक्टिविटी सेम यानी कि वो भी कंटेंट बोल्ड और क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा यानी यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम कर पाएंगे फॉर्मेट पेंटर के अंदर एक्शन परफॉर्म यदि आप डबल क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर में अगर सिंगल क्लिक करोगे तो सिर्फ एक ही बार आपका एक्शन रिपीट होगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करने पर तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारे 25 क्वेश्चन जो कि हमारे पटवारी के 2016 मेंस में पूछे गए थे हमने कवर किए हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा थैंक यू एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स इनको शेयर करिए थैंक यू और आगे नई वीडियोस के साथ हम मिलेंगे चलिए धन्यवाद